Hello students, welcome here. I am again with you and we are continue with our numerical series. In our series part 1 and 2 we already discussed of chapter 7, and in our today's series this is our part 3. Numerical practice is going on beta. Okay, so this is our class 12th physics chapter 7, alternating current, and we are doing NCERT textual question answer. From today we are starting additional exercise page number 267. Okay, this is NCERT question answers and part 3 is there. In our part 1 and 2 we are discussing the questions till 7.11. So today we are starting, so let's start beta. Okay, so question number 7.12 is on your screen. An LC circuit contain 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर. इंडक्टर हमें दे रखा है और कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है. इनिशियल जो स्टार्टिंग चार्ज हमने इनको प्रोवाइड करा है वो है 10 मिली कूलम. और जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, मतलब रेजिस्टेंस को हम एक तरीके से आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्लियर. आपको देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है. किसी भी इंस्टेंट टाइम पे जब टाइम हमारा जीरो होगा तो सर्किट क्लोज होगा. देखिए टोटल एनर्जी आपको बतानी है इनिशियल कंडीशन पे, स्टार्टिंग कितनी एनर्जी स्टोर होगी स्टार्टिंग में, क्लियर. और आपको बताना है कि क्या ये कंजर्व्ड रहेगा ड्यूरिंग द ऑसिलेशन. फिर आपको बताना है बी पार्ट में व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी सर्किट की, ठीक है. फिर आपको ये बताना है कि एट व्हाट टाइम द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी किस टाइम पे स्टोर होगी. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ओके. एंड देन कंप्लीट इलेक्ट्रिकली, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली. अच्छा, हमें एनर्जी स्टोर बतानी है कि एनर्जी स्टोर कब होएगी, जब वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली हो जाएगा और कम्प्लीटली मैग्नेटिक हो जाएगा. मतलब एक बार सारी एनर्जी इंडक्टर के पास जाएगी, एक बार सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास जाएगी. बेसिकली आपने, मैंने एक बार आपको एक थ्योरी में एक चैप्टर करा, टॉपिक कराया था LC ओसिलेशन, वहाँ से ही इस क्वेश्चन को उठाया गया है. तो उसको आप थ्योरी वाले कंसेप्ट को जरूर करें ताकि आपको क्लियरेंस आ जाए अच्छे से. फिर डी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइम द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली, और वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों पे हाफ हाफ एनर्जी हो जाएगी इक्वल इक्वल, ठीक है. और ई पार्ट में आपको बताना है अगर हम एक रजिस्टर डाल दें इनके सर्किट में तो हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट, कितनी एनर्जी एज ए हीट डिसिपेट हो जाएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, वी आर डूइंग द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट वी आर हैविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है. सो वी आर हैविंग एल, दिस इज 20 मिली हेनरी. सो वी हैव टू कन्वर्ट इट 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी. ओके, देन सी वी ऑल्सो हैविंग इन द क्वेश्चन दैट इज 50 माइक्रो फेरेड. ओके, देन दिस इज 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड. सो क्यू नोट दैट इज द इनिशियल चार्ज, क्लियर. ये क्या आपका इनिशियल चार्ज, व्हाट इज दिस, दिस इज 10 मिली कूलम. ओके ओके, सो देन वी ऑल्सो कन्वर्ट इट दैट इज 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम. ओके, एंड वी कुल, आप अगर इसको इक्वेट करके लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं इन अवर ए पार्ट. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू अस इन द ए पार्ट, इट इज सेइंग व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी. तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है, कैपेसिटर हमारा चार्ज है और बाद में हम इंडक्टर को चार्ज करें, तो इनिशियली हम कैपेसिटर वाली एनर्जी रखेंगे ना. तो कैपेसिटर के लिए हमारी इनिशियली कितनी एनर्जी होती है, हाफ क्यू नोट स्केयर अपॉन सी. ओके, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/2 इंटू क्यू नोट का स्केयर यानी कि 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2. और सी कितना गिवन है बेटा आपका, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6. ओके, तो देखिए बेटा ये 10 की पावर माइनस 2 माइनस, और ये 10 की पावर माइनस, ठीक है. तो आपका ये पावर कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास कितना बचेगा, 1/100. तो यानी कि, और ये आपका बचेगा इंटू 10 की पावर माइनस 2. तो देखिए ये भी कैंसिल हो गया तो हमारे पास ओनली 1 जूल बचा है.
ठीक है। नाउ यस द एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग द ओसिलेशन। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो यस आपको पता है एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग ओसिलेशन। ठीक है, जो ये पूरी प्रोसेस होएगी इसमें हमारी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। अगर किसी बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में कम आ रहा है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक बार एलसी ओसिलेशन का जो थ्योरी वाला हमारा पार्ट है उसको जरूर देखें, ताकि आपको क्लियरेंस आता चला जाए कि कैसे क्या हो रहा है, फॉर्मुलेज वगैरह आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखिए बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। क्या पूछा गया हमसे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है इस एलसी ओसिलेशन के लिए, 1/2π√LC। एलसी ओसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी यही होती है हमारी, है ना। तो सबकी वैल्यूज पुट कर दो, 1/2 × 22, और इसका नीचे 7 आएगा तो इसको हम ऊपर ले चलते हैं, अंडर द रूट। एल कितना है, 20 × 10⁻³ × 50 × 10⁻⁶। ओके, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा क्या होगा। तो देखिए 10⁻⁶ ये −6 है और ये −3 है तो −9 हो जाएगा, क्लियर। तो आपका आ जाएगा 7/44 × तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = 10, ठीक है, और 2 आपकी 0 रहेंगी, इंटू में आपका आ जाएगा 10⁻⁹। इनको हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम इसको इजीली सोल्व कर पाएं। ठीक है, तो देखिए बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, 7/44 × तो देखिए जो आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। और जब आप इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 10√10, है ना, यही बचेगा ना, क्योंकि देखिए 100 है तो 100 को तो ऐसे कर सकते हैं 10√10। और ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10⁻⁹ है ना, तो इसका −3 का स्केयर कर देते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया अलग अलग पार्ट्स में, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, √10 × 10⁻⁶ और ये देखिए इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, 7/44 × ये आपका 10 बचेगा और × 10⁻⁴ बचेगा, ठीक है। तो ये आपकी 10⁻ देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 10⁻⁴ है और ये 10⁻⁹ है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻ ये भी कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या जाएगा, 7 × 10³/44, ठीक है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 7000/44, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन वी आर गेटिंग 159.1 Hz, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये देखिए अब तक हमने जो सोल्व किया है, ओके, तो चलिए अब करते हैं सी पार्ट। ओके, देन पार्ट सी, इन अवर पार्ट सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, एट व्हाट टाइम द एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड किस टाइम पे, आपसे टाइम पूछ रहा है, पहले जब वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, सेकंड जब वो कम्प्लीटली मैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल, तो अगर कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल हो गया इट मीन्स देखिए इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी किस में स्टोर होती है, कैपेसिटर में। अगर वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल हो गया इट मीन्स एनर्जी किस में स्टोर होगी, हमारे इंडक्टर में। ये कब है, जब वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, और ये कब है, जब वो कम्प्लीटली मैग्नेटिक हो जाएगा। देखिए बेटा कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंडक्टर आपका ऐसे होता है बेटा, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता हो, और ये
मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो जब कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल हो जाएगा तो इट मीन्स तब हमारी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर में। तो आपका चार्ज कितना होता है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट कोस और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, टू पाई बाई टी इन टू में टी, ठीक है। तो हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए टाइम अपना आ जाएगा टी, टी इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, जीरो टी बाय टू, फिर टी ऐसे बनेगा ना, फिर उसके बाद थ्री टी बाय टू। तो इस तरीके से हमारा टाइम चलता रहेगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू जब हमारा क्यू नोट हो जाएगा, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम। देखिए कैसे होगा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए बेटा, हमारे पास जो कंडीशन आई है वो आई है क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट कोस ओमेगा टी, ओमेगा जब हमने टू पाई बाई टी रखा दैट इज टी, ठीक है। सबसे पहले हम टाइम को जीरो पुट करेंगे, ठीक है, तो कोस जीरो क्या हो जाएगा वन, क्लियर। फिर हम टाइम को टी बाई टू पुट कर, जब यहाँ पे आप टी बाई टू पुट करोगे, ठीक है, तो टी से टी कैंसिल आउट, टू से, तो कोस पाई क्या हो जाएगा जीरो। तो ऐसे तो करंट होता है, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, ठीक है। फिर हम यहाँ पे टी पुट कर, तो कोस टू पाई आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस वन आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से तो बढ़ रहा है, यही तो होता है हमारा प्रोसीजर इस तरीके से, देखिए, ठीक है, जीरो टी बाय टू, क्लियर, फिर टी, फिर से थ्री टी बाय टू, और इस तरीके से हमारा चलता रहेगा ये, ठीक है बेटा। तो ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब हमारे ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर। तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी कम्प्लीटली किस में, कैपेसिटर में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट, अब इसमें देखिए मैग्नेटिक एनर्जी, आपको पता है कि मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब कैपेसिटर में जीरो हो जाएगी, जब कैपेसिटर फुल्ली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तब हमारा इंडक्टर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज। जब एक में एनर्जी जीरो बचेगी तभी तो दूसरे में एनर्जी, देखिए इस तरीके से, ये आपका कैपेसिटर है सपोज करो, ठीक है, और ये यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। जब इसमें एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी तभी तो यहाँ पे एनर्जी क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी ना, जब ये जीरो तभी तो ये मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे जाएगी, तभी तो ये चार्ज होएगा, ठीक है, ओके। तो अब इसके लिए भी हमें टाइम निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा टाइम हो जाएगा टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर, फाइव टी बाई फोर, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो जब हमारा टाइम कैसे चलेगा, इवन चलेगा, वन थ्री फाइव सेवन, तो इसके बाद क्या आ जाएगा सेवन टी बाई फोर, ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। तो इस केस में हमारा जब टाइमिंग ऐसे मैच करेगा, वेरी करेगा, तब हम कह सकते हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ओके। आपको दोनों अच्छे से समझ आ गए, ओके, इस तरीके से होगा, इसमें तो इजीली चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, इसमें ये आपका इवन टर्म्स में चलेगा, इस तरीके से हमारा स्टोर हो जाएगा। अब हम डी पार्ट करते हैं, डी पार्ट में आपको क्या निकालना है, एट व्हाट टाइम टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर, आपको बताना है किस टाइम पे दोनों में इक्वली एनर्जी हो जाएगी, हाफ इसमें और हाफ इसमें, ठीक है। तो एनर्जी शेयरिंग ऑफ एनर्जी मींस क्या होता है, दैट इज इसका मतलब ये होता है कि इक्वल शेयरिंग ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो एनर्जी है कैपेसिटर की, जो मैक्सिमम एनर्जी है उसकी, उसका क्या कर दें हम, हाफ कर दें, तभी तो हाफ उसके पास जाएगी। अगर हम मैक्सिमम एनर्जी का हाफ, मान लो उसके पास 100 है, ठीक है, उस 100 का 50 हो जाएगा, तभी तो 50 इसके पास रहेगी और 50 इसके पास रहेगी ना, ठीक है, तो शेयरिंग हो जाएगी। तो इसके पास कितना चार्ज होता है, कितनी एनर्जी होती है इसके पास, कि एनर्जी पास एनर्जी होती है स्टार्टिंग में हाफ टोटल एनर्जी के, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी है ना, क्लियर, टोटल एनर्जी कितनी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी है। और इनिशियली कितनी एनर्जी थी हमारे पास स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में हमारे पास एनर्जी थी हाफ क्यू नोट स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, ये कैपेसिटर एनर्जी की टोटल कैपेसिटर एनर्जी है, ये इसकी इनिशियल एनर्जी हाफ क्यू नोट स्क्वायर अपॉन टी। जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू इज, अच्छा सुनो,
एक, हाँ ये तो ठीक हो गया। अब हमें इसका भी तो हाफ करना है ना, ये तो कैपेसिटर की टोटल एनर्जी है और इसका हमें ये मैक्सिमम एनर्जी जो वो गेन करेगा, और इसका भी आपको क्या करना है, इसका भी हमें हाफ़ करना है, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका भी हमें क्या करना है, हाफ़ करना है। ये आपकी कैपेसिटर एनर्जी है टोटल, ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम एनर्जी जो उसने गेन करी है, क्यों क्यों नोट हो जाएगा, तभी तो हमारी मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो उसका भी हमें क्या कर देना, हाफ़ कर देना है। तो क्यू स्केयर क्या हो जाएगा, हाफ क्यू नोट स्केयर, ठीक है। और यहाँ से अगर आप क्यू निकालोगे तो दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, क्यू इज इक्वल टू वन बाय रूट टू इंटू क्यू नोट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इतना मतलब चार्ज भी इतना शेयर हो जाएगा उसके पास, है ना, इतना चार्ज उसके पास चला जाएगा। अब आपकी कंडीशन क्या है, अब देखो क्योंकि आपको क्या पता है क्यू क्या होता है, क्यू नोट कोस ओमेगा टी, और इसको हम क्या, क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नोट कोस टू पाई अपॉन टी इंटू टी, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हमें टाइम निकालना है ना बेटा, तो इस तरीके से ही तो करना पड़ेगा, और क्या करोगे आप, ठीक है। अब जो इस क्यू की वैल्यू है वो ये आई है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, क्यू नोट बाय रूट टू इज इक्वल टू क्यू नोट कोस टू पाई अपॉन टी इंटू टी, ये आ गई हमारे पास कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन आ गई आपके पास। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखिए बेटा हमें पता है जो कोस का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, टाइमिंग इसके कैसे वेरी कर रहा था, जीरो टी बाई टू टी फिर थ्री टी बाई टू, इस तरीके से वेरी कर रहा है, यानी कि आप क्या कह सकते हो कि और टर्म्स में इसको वेरी कराएगा ये, ठीक है। तो क्यू नोट बाई रूट टू क्यू नोट को, थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको फील हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बेटा। तो क्यू नोट बाय रूट टू हो जाएगा क्यू नोट कोस टू पाई बाई टी इंटू टी, क्लियर। अब इसको हम सोल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, देखिए बेटा क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये वाली टर्म बचेगी वन बाय रूट टू, तो क्या बचा इसको आगे देखते हैं, तो ये हमारे पास बचा है, इसको हम अगले पेज पे कर लेते हैं, ओके बेटा। तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे वन बाय रूट टू कोस टू पाई अपॉन टी। अब आप ये बताइए जो कोस की वैल्यू है, कोस की वैल्यू पाई बाई फोर पे कितनी होती है, वन बाय रूट टू होती है ना, ये आपको पता है ऑलरेडी, है ना। तो कोस वन बाय रूट टू कब होगा आप बताओ, तो कोस वन बाय रूट टू हमारा होगा जब अपना कोस क्या हो जाएगा पाई बाई फोर, यानी कि 45 डिग्री पे कोस की वैल्यू होती है आपकी वन बाई रूट टू, क्लियर। तो इसी कंसेप्ट को हम अब यूज करेंगे, तो आप ये बताओ यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम वन बाई रूट टू क्या लिख सकते हैं, कोस टू एन प्लस वन पाई बाई फोर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, इधर कोस टू पाई अपॉन टी इंटू टी, इसको वन बाय रूट टू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कोस पाई बाई फोर। देखिए वो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो वन टू मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, कोई भी इंटीजर नंबर अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए टू इंटू जीरो तो कोस पाई बाई फोर आ गया वन बाय रूट टू। अगर हम एन की वैल्यू वन रखते हैं तब, अगर मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखी तब, अगर एन की वैल्यू मैं वन रखती हूँ इसी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, तो कितना आ जाएगा कोस थ्री पाई बाई फोर, और कोस थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू भी क्या होती है वन बाई रूट टू होती है। तो इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी ना, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया कि जब भी टू एन प्लस वन आएगा पाई बाई फोर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन बाई रूट टू आएगी, ठीक है। तो ये वाले आप डायरेक्ट शो मत करो, बट ये आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा टू एन प्लस वन पाई बाई फोर इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी इंटू में टी। बेसिकली हमें टाइम निकालना है, ठीक है, बेसिकली आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपको टाइम फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। और आपका जो टी हुआ है वो हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमें टी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे सारे सिस्टम को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस टी को जब आप इधर लेके आओगे तो आपके पास आएगा टू टी इज इक्वल टू टी टू एन प्लस वन अपॉन फोर, ठीक है। अब ये टू को भी इधर ले आओ तो टी क्या हो जाएगा, टी बाई एट टू एन प्लस वन, तो ये आ गया हमारा
वो टाइम जिस टाइम पे जो एनर्जी है वो हाफ हो जाएगी कैपेसिटर पे और इंडक्टर पे, ठीक है। तो एट दिस टाइम एनर्जी विल बी हाफ ऑन सी एंड एल। कैपेसिटर इंडक्टर पे एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ। और इस टाइम को अगर आप यहाँ पे एट की वैल्यू पुट करते, एन की वैल्यू अगर हम पुट करते जाएंगे, अगर मान लो एन को आप जीरो पुट करते हो, फिर आप एन को वन पुट करते हो, ठीक है, तो टी कितना हो जाएगा आपका, टी बाई एट। वन पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, थ्री टी बाई एट। तो इस तरीके से सीरीज एन को आप टू पुट कर दो तो टी कितना आ जाएगा, फाइव टी बाई एट। तो इस तरीके से सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो आप बेसिकली क्या कह सकते हो कि हमारा टी क्या आ गया, टी बाई एट, थ्री टी बाई एट, फाइव टी बाई एट, और इससे आगे निकालेंगे तो सेवन टी बाई एट, और इस तरीके से ये कंसेप्ट पूरा आपका चलता रहेगा। तो ये टाइम हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं इसका हम ई पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। ई पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि इफ ए रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट। आपको बताया अगर रजिस्टर इसमें हम डाल देंगे तो रजिस्टर क्या करेगा, चार्ज को यानी कि करंट को अपोज करेगा, तो एनर्जी डिसिपेटेड होगी, ठीक है। तो आपको पता है इफ वी इंसर्ट रजिस्टर देन लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन सर्किट, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन सर्किट, ठीक है। सबको पता है कि अगर हम रजिस्टर डाल देंगे तो वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है इससे क्या हो जाएगा, एनर्जी अगर लॉस होगी तो डंपिंग होएगी ना, तो ऑसिलेशन बिकम डम्प्ड एंड अल्टीमेटली डिसअपीयर। सो जो ऑसिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, बिकम डम्प्ड एंड अल्टीमेटली डिसअपीयर, फाइनली क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, क्लियर। सो टोटल एनर्जी ऑफ वन जूल इज डिसिपेटेड, सो क्या हो जाएगा, जो टोटल एनर्जी हमारे पास वन जूल थी वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ वन जूल, जो हमने वन जूल एनर्जी इस पर यूज करी थी, ठीक है, इज डिसिपेटेड एज हीट, एज ए हीट वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, क्लियर। इसलिए हमें कभी भी उसके अंदर हीट, हमें रजिस्टर को इंसर्ट नहीं करना। बेसिकली इस तरीके से उसका डायग्राम बन जाएगा, देखिए पहले ये पूरा वो करेगा, लेकिन धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये डम्प्ड ऑसिलेशन होता है हमारा, क्लियर। तो आपको सारा समझ में आ गया, एक बार मैं सारा आपको शो कर देती हूँ। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7.12, ओके। तो सारा क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग अवर क्वेश्चन नंबर 13। होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।